इनफैक्ट जिहड़ा सारा सिस्टम प्लानिंग दा चलदा है वो एक डेमोक्रेसी दे विच लीगल बैकग्राउंड दी होनी बहुत जरूरी है। ऑप्शन सिर्फ दो ही ने साडे कोल, या प्लान डेवलपमेंट है या अनप्लान डेवलपमेंट है। अनप्लान डेवलपमेंट दा बिल्कुल डिजास्टर है। हल जिन्हें असी जो प्रॉब्लम असी अर्बन एरिया की गल कर चुके हैं उन्हां दा एक और सिर्फ एको हल है, वो है प्लान डेवलपमेंट। अज अर्बन एरियाज में असी सारे देखते हैं तीन थ्रेट्स बड़िया क्लीयर इमर्ज होंगे हैं, पॉपुलेशन, हाँ जी, पॉवर्टी एंड पोल्यूशन। हाँ जी, ये तीन चीज़ा जड़ी हैं ये अर्बन एरियाज नू किल कर रही हैं। है लगातार बढ़ रही आबादी, लगातार बढ़ रही गरीबी और पोल्यूशन ते प्रदूषण। ओदे जे नाल जड़े दो होर जड़ी चीज़ा निकल दी हैं, हाँ जी, वो एक तो जड़ी कश्यप साहब ने दसिया गवर्नेंस। हाँ जी, आई थिंक गवर्नेंस एक बहुत माड़ी चीज़ है जड़ी के पंजाब दे विच कित भी शहरों दे विच जड़ी के मिसिंग है, जिस करके शहर में कौन गवर्न कर रहा है कोई नहीं जानता। ये माफिया कर रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स कर रहे ने, पॉलिटिशियन कर रहे ने, क्या प्राइवेट डिवेलपर कर रहे ने या स्लम डवेलर्स कर रहे ने, कौन कर रहा है ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। लगता है कि भी एक पूरा आप खुदरापन जिहड़ा शहर दे विच चल रहा ते उहदे विच कोई किसी योजनाबंदी तहत नहीं हो रहा। तो इस करके जिहड़ा सिस्टम जिहड़ा सी पंजाब दा हले तक जिहड़ा सिस्टम है बाई प्रोक्सी चल रहा, प्लानिंग ना बहुत घट प्लानिंग हुई है, क्योंकि अज भी जिहड़े ने सिटी अगर अमृतसर देखो तो 70% अनप्लैन डिवेलपमेंट है, हार्डली 25-30% प्लैन डिवेलपमेंट जिहड़ा इंप्रूवमेंट ने किया है। इस करके जदों इस सारे चीज़ नूं देख के कश्यप साहब भी जानते हैं 74-76 दे विच पंजाब गवर्नमेंट ने एक आर्डीनेंस लिया सी, पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट सी जी, आर्डीनेंस सी। अनफॉर्चुनेटली वह 6 महीने बाद सरकार च झगड़ा हो गया। झगड़ा यह हो गया कि जे ये लॉ बन गया तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट सब तो उत्ते तो सारे डिपार्टमेंट थले। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। उन्होंने 6 महीने बाद सरकार ने फैसला किया काम ही नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी इस गलबात दे विच जुड़न लई साडे नाल इक कॉलर जुड़े हुए ने। हाँ जी, थोड़ा की नाम है ते तुसी कित्थों बोल रहे हो? हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। गुजरात साबरकांठा के साटंबा से परेश पंचाल बोल रहा हूँ। हाँ जी, पंजाब के लिए अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अर्बन के लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो खामियां है उसके लिए जो कार्यक्रम लिया है उसको मैं पूरे देश के साथ अर्बन और रूरल के दोनों के साथ जोड़ना चाहूंगा। हाँ जी, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि कोई भी कार्यक्रम होता है वो सही प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। उसके अंदर मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा करप्शन काम करता है। जो नेता लोग होते हैं वो जिनको जनता ने मॉनिटरिंग करने के लिए बिठाए होते हैं, चुने हुए होते हैं, वो लोग ही उनकी जिम्मेदारी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। जो करप्शन का सोचते हैं उसके लिए सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, एक बात तो ये है। हाँ, और दूसरा मैंने ये देखा है कि भारत के अंदर करीबन 150 पॉलिटिकल पार्टीज है, सभी पार्टीज के बीच में एक सहमति नहीं होती है, इसकी वजह से सही नीतियां भी नहीं बनती है। मैं मानता हूं भारत की जनता को भी ये कहना चाहूंगा, अर्बन और रूरल सब जनता को मैं ये कहना चाहूंगा कि इन पॉलिटिकल पार्टियों से मुक्ति की जरूरत है। भारत को सही डेवलपमेंट के लिए, अर्बन को रूरल को सही डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टियों से मुक्ति की जरूरत है। भारत को पॉलिटिकल पार्टियों से मुक्ति की जरूरत है। 5 राज्यों में जब इलेक्शन चल रहे हैं तो मेरा जनता को इतना विनती है, भारतीयों को इतना विनती है, मतदाताओं की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित ना होए और अच्छे से अच्छे निर्दलीयों को पूरी विधानसभा में चुने और एक अच्छा सा चमत्कारिक परिणाम और एक बदलाव लाने की देश के अंदर जरूरत है। जब तक पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये पॉलिटिकल सिस्टम हाँ जी, नहीं जाएगा। आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। एक होर कॉलर साडे नाल जुड़े हुए ने। हाँ जी, तुहाड़ा की नाम है ते तुसी कित्थों बोल रहे हो? मैं सोलो वालिया बोल रहा जी, कपूरथले तो बोल रहा मैं जी। हाँ जी, मैं सारे कहना चाहना जी पंजाब का शहरी वोटर है जी। हाँ जी, इनू अपना इंडिपेंडेंट से भरोसा करना चाहिए जी। हाँ जी, क्योंकि इंडिपेंडेंट जरा होंगे सर जी फिर मिली जुली सरकार से जी, मिली जुली सरकार अपना जी होंगी है जी वो वधिया चलती है जी, जबकि एक पार्टी नाल माड़ी चलती है जी। हाँ जी, कश्यप साहब दोनों कॉलर्स ने तकरीबन एक ही गल कही है, तुसी किवें रिस्पोंड करना चाहोगे? किस स्पेसिफिक गल दे उपर जी जो इन्होंने क्या हैगा कि
ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰੇਕ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 74th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਧੜਾ ਧੜ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਟ੍ਰਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਿੰਨ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਕਟ੍ਰਾਏ ਚੁੰਗੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਚੁੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ 5 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਕਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਉਤਬੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਉਤਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਰੋਡ ਤੇ ਠੀਕ ਬਣੇ ਹੀ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2012 ਜਦ ਤੱਕ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਿਕ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਈ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ
दरअसल गल है कि भी इस वेले जिहड़ियां विधानसभा चोणां चल रही ने तुसी शहरी वोटर कोल की वादा लेके जा रहे हो की कह रहे हो तुसी शहरी वोटर नूं देखो जिथों तक ना इस गल दा तल्लक है असी ते ओवरऑल विकास की गल कर रहे हैं शहरी विकास ते देहाती विकास इहनूं दो हिस्सों च नहीं असी वंड रहे असी ते पंजाब दा जिन्हों कहना चाहिए विकास की गल टोटल तौर दे उते कर रहे हैं हुण देखो के अज विकास अगर किसी एक चीज दे नाल डायरेक्ट जुड़िया है ना वो है बिजली और वो बिजली जिहड़ी है वो अज साडे कोल कट सी उपलब्ध हुण सवाल यह है कि पहला कांग्रेस की सरकार ने इस गल की तरफ ध्यान ही नहीं दिता कि असी ये कोई जड़ा है कम उपराला अपने हाथ दे विच लईए जिहदे नाल कम से कम आने वाले 5-7 साल दे विच असी अपने पैरां दे उते बिजली पैदा करना और उहदे वितरण का इंतजाम जड़ा है उहनू सुचज्जा बनाना ते दो कम्मां दी तरफ असी कोई ध्यान दे करके ते शहरी जिंदगी नूं सुखावां बनाईए हाँ जी टंडन साहब तुसी साडे नाल इस चर्चा में जुड़े तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी जिहड़ी इह गल है कि भी हरेक पार्टी इह कहिंदी है कि असी 5 साल सुहिरद होकर ब्यौंतबंदी की तो दूजी पार्टी ने तो पहला सानू कुछ करके नहीं दिता है यह जिहड़ा लगातार 5 साल वाला मसला है उहदे नाल तो यह सारे मसले टलदे ही रहेंगे लगातार मैं एक एग्जाम्पल दूंगा हाँ जी मिनिस्टर का नाम नहीं दसना चाहूंगा पर इस तो बड़ा स्पष्ट हो जाऊगा कि किन्नी सिंसेरिटी पोलिटिकल लीडर्स दे विच है इस दे बारे च मैं सैकटरी लोकल गवर्नमेंट सी इलैक्शन सिर ते सी मंत्री जी को मैं गया मैं कहा जी बड़ा अच्छा मौका है 3 महीने हैगे साडे कोल 3 महीने दे विच मैं इहो जी सुझाव लैके आया हैगा तुहाडे गवर्नमेंट दे विच असीं चाहुंदे कि सारे शहरां नूं थोड़ा जिहा सफाई कर दईए ठीक है जी मंत्री जी दा जिहड़ा नाम मैं नहीं लूंगा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ